हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन पोस्ट में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री के पेपर में आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर वीडियो चालू करने से पहले मैं देव और मेरे मार्क्स की बात करूँ तो हम दोनों ट्विन्स के ट्विन इफेक्ट के कारण दोनों के ही बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स आए थे। मतलब मेरे भी 95 थे, देव के भी 95 थे। अब इसका सीधे अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो को टोटल हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स की कि कौन सी बुक्स हमें रेफर करना है हिस्ट्री के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग डेज में प्रिपरेशन कैसे करना है, फिर फाइनल डेज में प्रिपरेशन कैसे होता है, इसके बाद कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करना है, और आखिरी में थोड़ी सी एग्जाम टिप्स की बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बुक्स के बारे में सबसे पहले कि हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी, तो यहाँ पर हमारे सामने तीन बुक आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है सिंपल एनसीईआरटी बुक हमारी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी आती है ओसवाई की क्वेश्चन बैंक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बस उनका जो पैटर्न है और सिलेबस है वो सही होना चाहिए। तो अब पूरी यही बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग डेज प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर हमें मात्र एक बुक से पढ़ना है जो है हमारी एनसीईआरटी बुक। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे जब पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री की बुक, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों की एनसीईआरटी उठाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हिस्ट्री की बारी आती है तो उनको एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आती। क्योंकि हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है और एक अजीब से फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े दिन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसका उसको हटा देते हैं और पूरा रिफ्रेशर से पढ़ने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एनसीईआरटी को कम से कम दो बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एनसीईआरटी का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपने अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो अगली बार आपको अपने आप वो ईजी लगने लगती है। तो स्टार्टिंग डेज प्रिपरेशन में हमको सिंपल क्या करना है, हमें अपनी बुक की रीडिंग का चालू करना है, सिंपल रीडिंग मारना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि चैप्टर समझ में ही ना आए, तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। एक बार पैरा पढ़ो, अगर समझ में नहीं आता तो उसको एक बार फिर से पढ़ो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो, लेकिन बस इतना कर लो कि इस चैप्टर की थोड़ी बहुत डिटेल हमको मालूम चल जाए। मतलब अगर हमारे स्कूल में कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें हम आंसर लिख पाए, भले ही एकदम एग्जैक्ट आंसर हम ना लिख पाए, लेकिन फिर भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। ये होता है हमारा स्टार्टिंग डेज प्रिपरेशन में, ये मोस्टली आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करें फाइनल डेज प्रिपरेशन की। अब मान के चलिए आपके पास 3 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम को या कोई भी आपके 11th के एग्जाम, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा एक पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एनसीईआरटी के साथ एक और बुक उठानी है जो है क्वेश्चन बैंक। मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस के पहले बनाई, उसमें मैंने क्वेश्चन बैंक की बात नहीं करी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बैंक आपकी चॉइस होता है। अगर आपको एनसीईआरटी का अच्छे समझ में आ रही तो मात्र सैंपल पेपर काफ़ी होते हैं, लेकिन हिस्ट्री में चॉइस नहीं, क्वेश्चन बैंक एक मस्ट चीज़ हो जाती है। वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, मैं खुद बोलता हूँ पेपर पूरा एनसीईआरटी से आएगा, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक से आपको हो सकता है एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले, सैंपल पेपर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन जो ओसवाई के क्वेश्चन बैंक आते हैं इसमें एक बहुत ही बिंदास चीज़ है, वो ये है कि इसमें हर चैप्टर को इन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इस चारों पार्ट्स की एक अच्छी समरी बिल्कुल सिंपल वे में लिखी हुई है, और उसके बाद पिछले 8-10 सालों में जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उस पूरे पार्ट से आए हैं वो वहाँ पर डले होते हैं, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, जितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सारे डले होते हैं। मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें फाइनल डेज प्रिपरेशन में सिंपल सी चीज़ ये करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप इस गलत फहमी में है कि क्वेश्चन बैंक की समरी से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। समरी कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं दिलवा सकती, समरी से आपको थोड़ा सा समझा देती है। सबसे पहले क्या करो, आप अपनी ओसवाल क्वेश्चन बैंक खोलो, उसमें देखो कि फर्स्ट पार्ट में कितने टॉपिक कवर किए गए हैं। अब अपनी एनसीईआरटी खोलो, अब एनसीईआरटी को पढ़ना चालू करो, उतना पार्ट अपना एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ो, और अब उस पार्ट में जितने डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उनको गूगल में सर्च करके उनका मीनिंग निकालो, आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड बनने चाहिए, और इसी के जस्ट बाद आप क्वेश्चन बैंक खोलो और समरी पढ़ डालो। अब आप खुद देखोगे आपको वो जो आपने भी डिफिकल्ट लग रहा था ना, जो आपको पैरा अपनी बुक क्या, वो ईजी लगने लगेंगे। तो सेम वही चीज़ एक ईजी लैंग्वेज में आपको अपनी उस वाल में देखने को मिल जाएगी। ये आप करो, इसके बाद तुरंत फाइनल डेज में उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ डालो। अब आपका बुक का फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट पूरा क्लियर हो गया। सेम आपको पूरी बुक में रिपीट करना है। अब आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप एक बार में पूरा हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ना चाह रहे हो, सिर्फ आधा पढ़ना चाह रहे हो, तो आप उस वाल का जो क्वेश्चन बैंक है उसके मात्र 2 पार्ट कर लो, बुक के 2 पार्ट रीड कर लो, ऐसी पूरी तैयारी होती है। फाइनल डेज प्रिपरेशन में हमको एक भी चीज़ नहीं छोड़ना, चाहे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन ही क्यों ना हो। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो, तुरंत क्वेश्चन बैंक पर जंप मारो, क्वेश्चन बैंक के समरी पढ़ो और क्वेश्चन आंसर पढ़ो। सेम मैंने किया था। यहाँ पर एक पॉइंट बस ये याद रखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एनसीईआरटी जैसा चैप्टर है
जो आपको अच्छे से याद हो गया एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हो कि फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के सीधे समरी भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपको चैप्टर अच्छे से याद हो गया है अगर, तो फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब ही करना जब आप बिल्कुल श्योर हो कि अब मुझे एनसीईआरटी अच्छे से बन रही है, जितने डिफिकल्ट वर्ड हैं मुझसे बन रहे हैं। तो ये होता है हमारा पूरा फाइनल डेज प्रिपरेशन की बात। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करना और कौन सी एग्जाम टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ूँ से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की वीडियो खोलेंगे तो वहाँ पर भी आपको एग्जाम टिप्स हो गए और ये मिस्टेक बहुत सिमिलर मिलेंगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि उस जो टॉपिक के अंदर हम आपको मिस्टेक समझाएंगे वो भी सेम हो। इसलिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो पहले ही देख ली है और आप हिस्ट्री की देख रहे हैं तो सिर्फ वो टॉपिक देख कर वीडियो में हटा दीजिएगा, क्योंकि हम पूरा क्लियर करने वाले हैं कि अंदर क्या हम बोलना चाह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले अगर हम मिस्टेक की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक आती है वो है एनसीईआरटी अच्छे से ना पढ़ना। पॉलिटिकल साइंस में बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में तो इससे बड़ी हरकत कर देते हैं, वो ये है कि एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, डिफिकल्ट लगती तो एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। अगर बोर्ड में आपका गोल है 90+, तो अगर आपने दो बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए पहली मिस्टेक ये आती है। इसका दूसरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक आती है, मैप्स की तैयारी ना करना। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर आपने थोड़े बहुत मैप्स अच्छे से कर लिए तो आपके फ्री के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसलिए मैप का प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करने की आपको ज़रूरत है, भले आखिरी डेज में करिए लेकिन करिए, इसको स्किप मत करिए। इसका तीसरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक आती है, आंसर फ्रेमिंग ना करना अच्छे से। एक हिस्ट्री की आंसर फ्रेमिंग और एक पॉलिटिकल साइंस की आंसर फ्रेमिंग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आंसर फ्रेमिंग में हम बहुत सारी वीडियोज लेकर आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना और बताऊँ कि इसमें से 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जहाँ पॉलिटिकल साइंस में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मोस्टली फ्लो चार्ट बन जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के हर एक आंसर में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आंसर होंगे जहाँ फ्लो चार्ट बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पहले अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट फ्रेम करना पड़ता है और फिर उसके बेसिस पे पैराग्राफ्स में आंसर लिखना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस में भले ही आपकी बुक की रीडिंग अच्छी ना हो, आप करेंट का नॉलेज का यूज करके उसमें आंसर लिख सकते हैं, मन से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आपको आंसर में वही लिखना पड़ेगा जो पास्ट में हमारे साथ हो सका है, क्योंकि वही हिस्ट्री का मीनिंग होता है, और जो पास्ट में हुआ है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको बुक की रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी आंसर फ्रेमिंग एकदम अलग हो जाती है। इसके बाद एक और मिस्टेक जो बहुत बड़ी आती है वो ये है, नेम्स और डेट्स याद ना करना। मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि हिस्ट्री में आपको पूरे क्वेश्चन लाइन से डेट्स क्या जाएंगे कि ये डेट बताओ वो डेट बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डेट्स याद होती है तो आप सबसे पहले आंसर्स को लिंक कर पाते हो कि अच्छा सबसे पहले ये रूलर आए, फिर ये रूलर आए, फिर ये रूलर आए, आंसर में आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ अगर आप डेट्स का रेफरेंस देते हो आंसर्स में तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, वो चेकर को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये एक मिस्टेक होती है जो लोग नहीं करते। इसका सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर सब्जेक्ट में बोलता हूँ 2 सैंपल पेपर एटलीस्ट आपको सॉल्व करना है और बाकी के जितने सैंपल पेपर हैं उनको पढ़ना है। सॉल्व तो 2 आपको करना है, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपको कितने पानी में आप और कैसे आंसर आपसे बन रहे हैं, और जो आंसर ना बने उसके टॉपिक आपको फिर से करने की ज़रूरत है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी मिस्टेक आती है, पेपर का पैटर्न ना समझना। आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, उनकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी, मुझे आंसर फ्रेमिंग कैसे करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये एक और बहुत बड़ी मिस्टेक आती है। इसके बाद एक और सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, प्रॉपर रिविजन ना करना। जो मैंने आपको फाइनल डेज प्रिपरेशन के बारे में बताया उसको बिल्कुल सटीक तरीके से फॉलो करिए, क्वेश्चन बैंक का पूरा यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, एक बहुत ही तगड़ा रिविजन हो जाता है। इसके बाद एक और मिस्टेक आती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना। हिस्ट्री में हमें जितने 1 मार्क्स क्वेश्चन आए थे उसमें सिंपल लॉजिक ये था कि उन्हें बुक की लाइन दे दी थी बीच बीच की। जैसे अगर हम बात करें कोई टैक्स है उसका कोई पर्टिकुलर नाम है तो वही लाइन दे दी थी कि ऐसा एक टैक्स होता था उसका नाम क्या है। कोई किंग का नाम दे दिया था कि ये किंग ने ये लॉ लेकर आए थे नाम बताइए, तो ऐसे 1 मार्क्स आते हैं, सीधी बुक की एनसीईआरटी की लाइन उठाकर दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक आती है। इसके बाद एक और लास्ट बहुत बड़ी मिस्टेक आती है, प्री बोर्ड को हल्के में ले लेना। हिस्ट्री का प्री बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट में से एक होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि 8 मार्क्स वाले आंसर आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एमसीक्यू आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बाकी जितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है प्री बोर्ड। वहाँ पर आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का देखिए कि भाई टाइम मुझसे मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या 8 मार्क्स वाले आंसर लिखने के लिए मैं अभी प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ। ये अगर नहीं हो तो आपको एनसीईआरटी की फिर से एक रीडिंग की ज़रूरत है, फिर आपको अच्छे टॉपर्स आंसर शीट पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे आंसर लिखे जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक यही आती है कि प्री बोर्ड को हल्के में ले लेते हैं, खासकर हिस्ट्री के। अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम टिप्स की, कि मैं आपको हिस्ट्री के लिए क्या एग्जाम टिप्स देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक टिप मेरी स्टार्टिंग में बेसिक यही रहेगी कि एनसीईआरटी अच्छे से करिए आप, पूरे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने हिस्ट्री में कोई टॉपिक छोड़ दिया तो बोर्ड में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। और हिस्ट्री का फायदा ये होता है कि ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको इस चैप्टर का ही आंसर लिखना है, बाकी जो इंटरलिंक चैप्टर है उनका भी आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं होता किसी चैप्टर से आंसर दो, बस आपका आंसर सही होना चाहिए।
इसलिए एकदम बुक की अच्छे से रीडिंग करिए, कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम आप पीछे से लिखना चालू करिए, पहले लॉन्ग आंसर करिए उसके बाद शॉर्ट, फिर वन मार्क्स वाले क्वेश्चन। ऐसे में क्या होता है जिनकी स्पीड स्लो है और खासकर जिनको टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो सबसे पहले 8 मार्क्स वाले निपटाओ, उसके बाद में अगर टाइम की कमी हो गई तो जल्दी जल्दी में 1 मार्क्स वाले आंसर लिख सकते हो। इसके बाद एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि हिस्ट्री पेपर में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। हिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है और साथ ही साथ आंसर आपको अच्छे लिखने पड़ते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, तुरंत दिमाग में फ्रेम करो एक फ्लो चार्ट कि इसका आंसर मुझे कैसे लिखना है और आंसर लिखना चालू कर दो। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, दो पैरा लिखे फिर बैठ जाते हैं, अब इसके आगे मैं क्या लिखूं। पहले सोच लो कि मुझे क्या चार पैरा लिखने हैं और उसके बाद लिखना चालू करो। तो ये पूरा इसमें आता है। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप हमारी वो आंसर राइटिंग बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट एक बार प्लीज देख लीजिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद एक और जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा वो ये है कि प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग की तैयारी आप करें। टॉपर्स की आंसर शीट निकालिए, उससे आप देखिए कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करी जाती है। अगर आपको आंसर फ्रेमिंग में कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, तो ये एक चीज़ आती है। लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूंगा वो है कि वर्ड लिमिट को फॉलो करिए। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हिस्ट्री में आपको 15-15 पेज के आंसर लिखने हैं, एकदम सिंपल आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट थोड़ी सी क्रॉस होगी चलेगा, पर आंसर सही होना चाहिए, एकदम ज़्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है, वीडियो को लाइक बनता है। अगर आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।